photographer Dabbu Ratnani launched his popular calendar pictures. Many Bollywood celebrities launched the Dabbu Ratnani calendar this year. This year makes the 18th anniversary of the calendar. The calendar was launched in a star-studded event in Mumbai. Have a look at the stunning pics of Bollywood celebrities for the Dabbu Ratnani calendar 2017. Aishwarya Rai Bachchan, Shah Rukh Khan, Abhishek Bachchan, प्रियंका चोपड़ा, विद्या बालन, परिणीति चोपड़ा, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर, वरुण धवन, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, दिशा पटानी, अर्जुन रामपाल, सनी लियोनी, सोनाक्षी सिन्हा। पॉपुलर सीरियल दहलीज में स्वाधीनता रामकृष्णन का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस त्रिधा चौधरी इन दिनों गोवा में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। त्रिधा ने वेकेशन की कुछ फोटोज और वीडियोस इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए हैं, जिनमें वो बिकिनी अवतार में नजर आ रही हैं। बता दें कि बंगाली एक्ट्रेस त्रिधा ने 2016 में आए टीवी शो दहलीज में एक्टर हर्षद अरोड़ा के ऑपोजिट टीवी डेब्यू किया था। त्रिधा अब तक कई बंगाली और तेलुगु फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। सीरियल ये है मोहब्बतें में रैना का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा की हॉट तस्वीरें इन दिनों इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं। करिश्मा शर्मा ने हाल ही में एक फोटोशूट करवाया है, जिसमें वो बेहद हॉट नजर आ रही हैं। करिश्मा ने अपने इस हॉट फोटोशूट की कुछ फोटो सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। करिश्मा टीवी की दुनिया में कई शोज का हिस्सा भी रह चुकी हैं। करिश्मा को जी टीवी के सीरियल पवित्र रिश्ता में पिया के किरदार से फेम मिला था। बासठवें फिल्म फेयर अवार्ड के नॉमिनेशन के लिए घोषणा कर दी गई है, लेकिन इस लिस्ट में अक्षय का नाम नहीं है। जब अक्षय के फैंस को इसके बारे में पता चला तो वो इस बात से काफी नाराज हो गए हैं। 2016 में अक्षय की दो फिल्में रुस्तम और एयरलिफ्ट रिलीज हुई थी। दोनों ही फिल्में काफी हिट रही थी, लेकिन फिर भी अक्षय का नाम नहीं होना उनके फैंस को खल गया। अक्षय के फैंस ने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। अक्षय के समर्थन में फैंस के ट्वीट की झड़ी लग गई। कई यूजर्स ने तो ये आरोप तक लगा डाला कि एयरलिफ्ट और रुस्तम जैसी फिल्मों के लिए नॉमिनेशन न होने पर पता चलता है कि अवार्ड्स खरीदे जाते हैं। बॉलीवुड के दो सुपर खान सलमान खान और शाहरुख खान आखिरकार 10 सालों के बाद एक ही फिल्म में नजर आने वाले हैं। जी हां, कबीर खान ने अपनी फिल्म ट्यूबलाइट में शाहरुख खान के कैमियो को फाइनल कर लिया है। कोई शक नहीं कि शाहरुख और सलमान के फैंस इस खबर से बेहद उत्साहित हो जाएंगे। आखिर पिछली कई फिल्मों से ये अफवाह जोड़ी जा रही थी कि शाहरुख और सलमान साथ दिखने वाले हैं, लेकिन अब ट्यूबलाइट पर जाकर इंतजार खत्म हुआ। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।